हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा लुसेंट जनरल इंग्लिश सिनोनिमस अल्फ़ाबेट बी एंड सी। पिछले वीडियो में मैंने कवर करा था अल्फ़ाबेट ए, और उससे संबंधित मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बताए थे जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और उसी के साथ मैंने आपको एक बात और डिस्कस करी थी उस बुक के बारे में, वकैब विद फन। जी हाँ, इस बुक के बारे में। वकैब याद करने के दो तरीके होते हैं, एक वो जो लुसेंट बुक में दिया गया है और एक ये जो इस बुक में दिया गया है। वकैब को आप याद कर सकते हैं कट टू कट लाइन में, या फिर आप एक वकैब एक वर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं एक रियल लाइफ के एग्जांपल के साथ में। तो इसको बोलते हैं निमोनिक मेथड। दोनों बुक आपके पास अवेलेबल हैं, आप जहां पर भी कंपैटिबल हो, कंफर्टेबल जहां पर भी हो, उसके अकॉर्डिंग आप वकैब याद कर सकते हैं। डिसाइड आपको करना है कि आपके लर्निंग पावर कौन से मेथड से ज़्यादा फास्ट है और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आप उसको अपने पास संजो के, मतलब समेट कर अच्छे से रख सकते हैं। ज्ञान वही जो एग्ज़ाम में काम आए। आपने तमाम बुक परचेज कर रखी होंगी और एक भी बुक को तरीके से शायद ना पढ़ा हो। अगर पढ़ा है आपने कोई भी तरीके से किसी भी बुक को, तो डैम श्योर आज इस वीडियो में जो भी आप वर्ड देखेंगे, जो भी वकैब अभी आप देखेंगे, वो सभी आपको आती होगी। अगर आपका ये स्केल है कि आपको सभी वकैब अच्छे से आती थी पहले से ही, तो वेल डन, और आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, प्लस आपके जॉइनिंग के लिए भी, क्योंकि आपकी जॉइनिंग बहुत जल्द होने वाली है। और रही बात उनकी, जिनका इंग्लिश में हाथ बहुत टाइट है, 36 का आंकड़ा है, इंग्लिश उन्हें एक आंख नहीं भाती, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि या तो आप ये वाली बुक परचेज कर लीजिए। अगर बुक परचेज नहीं कर सकते हैं तो इस बुक के वीडियो आपको मिलेंगे इस चैनल की प्लेलिस्ट में। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, राजेश्वरी पब्लिकेशंस के नाम पर एक प्लेलिस्ट होगी, उसको क्लिक करें। उसमें इसकी बुक की डिट्टो स्कैन करके तरीके से आपको समझा रखा है, एक एक एग्जांपल को रियल लाइफ के एग्जांपल के साथ में कनेक्ट करा गया है, और आपको याद कराने का मैंने पूरा प्रयास करा है उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ये बुक लुसेंट की है। ये बुक अगर आपके पास में अभी है राइट नाउ, तो प्लीज़ इस बुक को ओपन करिए, और जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उन पॉइंट को आप अंडरलाइन करना। अगर आपके पास ये बुक नहीं है और आप परचेज़ करना चाहते हैं, तो मार्केट से इस बुक को परचेज़ कर लीजिए। आसानी से ये बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी। अगर मार्केट बहुत दूर है तो आप इस बुक को ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दूंगा इस बुक का लिंक, जैसे आपको सूटेबल लगे वहाँ से आप बुक को परचेज़ करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। अल्फाबेट बी, देखिए पहला जो वर्ड है वो है हमारा बैंडिट। आपको पता होगा एक मूवी आई थी बैंडिट क्वीन के नाम से, तो वो थी क्या, वो थी लुटेरी क्वीन। तो बैंडिट का मतलब होता है आपका डाकू, लुटेरा। और इसका एग्जाम में सिनोनिमस आपसे पूछ सकता है। इन सभी में से जो भी आपको ऑप्शन देगा वहाँ पर आपको अपना राइट आंसर लगा के आना है। तो देखिए अब मैं आपसे बात करता हूँ फिलहाल की इम्पॉर्टेंट इसमें से कौन कौन से वर्ड हैं जो आपके ऑप्शंस में आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना, आपको दे सकता है वो हाईजैकर ऑप्शन में, या आपको दे सकता है एक वर्ड और, इसको बोलते हैं गैंगस्टर। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये दोनों वर्ड आपको एज इट इज़ अपने किसी नोटबुक में नोट करने हैं। सबसे पहले नोट करना है आपको बैंडिट। बैंडिट का हिंदी में अर्थ क्या होता है, वो होता है आपका डाकू, लुटेरा, चोर। ठीक है, और इसका सिनोनिम आपको याद करना है हाईजैकर, गैंगस्टर। ये जो पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ, ये ग्रेड सी और ग्रेड डी की पोस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक अच्छे लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे स्टेट पीसीएस की, सीजीएल, एक्साइज इंस्पेक्टर की, कैग की, इन सब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं हायर रैंक की, जिसका पे स्केल काफ़ी अच्छा होता है, तो वहाँ पर आपको ये सभी याद करने पड़ेंगे। और देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँगा कि बैंडिट आपको पता है इसका हिंदी मीनिंग डाकू, लुटेरा होता है, तो रॉबर कॉमन सा वर्ड है, थीफ कॉमन वर्ड है, और ये आपका गनमैन काफ़ी कॉमन वर्ड है, तो इसका आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आप एक हायर लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके माइंड का एक जो लेवल होता है वो सेट हो जाता है उसके अकॉर्डिंग, और ये सभी वर्ड आपको काफ़ी लगते हैं लड्डू,
बच्चों ऐसे क्वेश्चन लगते हैं इसके सब, ठीक है। तो आपको ये सब याद नहीं करना है, केवल इंपॉर्टेंट वर्ड ये है। और उसके अलावा हायर पोस्ट के लिए मैं बोलना चाहूँगा आप याद करना हाईवे मैन। हाईवे मैन इज़ द मेन इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब हम बात करते हैं बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है? दिवालिया, ठीक है। बैंकरप्ट मतलब दिवालिया। दिवालिया वो व्यक्ति होता है जो किसी भी बैंक से कोई भी कर्जा लेता है और वो उस कर्जे को चुकाने में असमर्थ होता है। असमर्थ होता है मतलब कि वो चुका नहीं पाता। उसको फिर बैंक क्या करता है, उसको दिवालिया घोषित कर देता है और उसके बाद में उसका सारा कर्जा जो होता है वो माफ हो जाता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होता है? इसका सिनोनिम्स होता है इंसॉल्वेंट, रुइंड, स्पेंट, बैगर्ड एंड ब्रोक, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बारबेरियन। देखिए बारबेरियन गर्ल, आपको पता होगा बारबी डॉल, बारबी का मतलब होता है काफी सुंदर, काफी अच्छी गर्ल। बारबेरियन उसका अपोजिट मतलब काफी बेकार लड़की, गवार, असभ्य है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसका जो सिनोनिम्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है आपका बुर। इलिटरेट मतलब अनपढ़। हर अनपढ़ इंसान गवार हो, असभ्य हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो सिनोनिम्स है आपको एग्जाम में सिनोनिम्स ये नहीं देगा बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन आपको दे सकता है आपको फिलिस्टाइन एंड सेवेज। ये तीनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, तो तीनों ही याद करने हैं। और ध्यान से हर एक वर्ड को आप लिखना और उसका हिंदी मीनिंग जरूर पेन डाउन करना। अगर बुक है तो इसी तरह से आप उसे हाईलाइट करिए, ठीक है। बैंडिट में ये तीन वर्ड आपको याद करने हैं, बारबेरियन में ये तीनों वर्ड याद करने हैं आपको, और बैंकक्रप्ट में आपका होगा इंसॉल्वेंट, इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है। केवल यही ऑप्शंस आपको मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बारबेरस। तो बारबेरस सेम वही है, अनपढ़, सेम थर्ड और फोर्थ दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है इसमें। थर्ड और फोर्थ में आपको याद रखना है इसका इग्नोरेंट, ठीक है। इग्नोरेंट इसका रहेगा सिनोनिमस और एक रहेगा ब्रूटल। आगे हम बात करते हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, वो है आपका बैरन। कहते हैं ना बैरन भूमि, बंजर भूमि, तो ये बोलते हैं बंजर। बंजर देखो फ्रूट का मतलब क्या होता है? रसीला। फल कैसा होता है? रसीला। और अगर फल में रस ना हो तो क्या हो जाएगा? वो फ्रूटलेस मतलब बिल्कुल बेकार बन जाएगा। बेकार मतलब बंजर, ठीक है। इसके साथ ये वर्ड कई बार पूछता है आपसे और साथ में आपको देगा इनफर्टाइल। देखो फर्टाइल क्या होता है? उपजाऊ। इनफर्टाइल मतलब अनउपजाऊ, जिसमें कुछ उगाया ना जा सके, तो ये होता है इनफर्टाइल। बेसिक्स, बेसिक्स का मतलब होता है आधार। कहते हैं ना तुम्हें बेसिक नॉलेज भी नहीं है किसी चीज की, क्या करोगे अपनी लाइफ में? बेस का मतलब बेसिक, ठीक है, उससे बना है ये। तो एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है, लेकिन इसके साथ श्रेणी में सबको देगा आपको फंडामेंटल। क्या देगा? फंडामेंटल या फिर एसेंशियल्स। तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर हम बात करते हैं बटालियन। बटालियन आपने सुना होगा, ये आर्मी के अंदर बटालियन, एक बटालियन मर गई, एक बटालियन यहाँ से वहाँ चले गए, पूरी बटालियन को तबाह कर दिया। तो ऐसे वर्ड हम लोग आर्मी सेक्शन में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और न्यूज़पेपर में पढ़ते भी हैं। तो उसको बोलते हैं सेना का दल, जहाँ पे बहुत सारी सेना मिल करके ग्रुप बनाती है उसको बोलते हैं बटालियन। और सिनोनिम्स क्या होगा उसका? आर्मी, ब्रिगेड, कंपनी एंड रेजिमेंट। तो एग्जाम में आपको मैक्सिमम रेजिमेंट मिलेगा। आपको पता होगा मंगल पांडे जो मूवी आई थी वो किस रेजिमेंट का था, तो ये सब जीएस में आपने पढ़ा ही होगा, तो उसी की बात कर रहे हैं बटालियन। आगे हम बात करते हैं, देखिए बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले या फिर आगे, ठीक है। इसका सिनोनिम्स बनेगा आपका अहेड, अर्लियर, सूनर एंड प्रीवियसली। तो इम्पॉर्टेंट जो है वह आपका अर्लियर एंड अहेड। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये चीज़ देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल कॉमन कॉमन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहेवियर, उसका बिहेव काफ़ी बेकार है यार, बहुत ही रूडली बात करता है, मतलब ऐसी बात करता है जैसे एहसान कर रहा हूँ। तो बिहेव का मतलब बर्ताव, चाल चलन, उसका बिहेव ठीक नहीं है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? कंडक्ट, डीलिंग, हैबिट्स एंड मैनर। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फिलहाल ये तीन याद करने हैं, कंडक्ट, डीलिंग एंड हैबिट। आगे बात करते हैं हम लोग बिनिवोलेंस। बिनिवोलेंस का मतलब होता है आपका काफ़ी परोपकारी इंसान, वो काफ़ी बिनिवोलेंस पर्सनैलिटी का है, ठीक है। सुनील इज हम लोग बोल सकते हैं बिनिवोलेंस कैटेगरी, तो इसको हम लोग इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है दयावान।
तो इसका जो एग्जैक्ट जो इसका सही प्रॉपर जो वर्ड होगा इसके आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक होगा काइंडनेस दे सकता है ऑप्शंस में, या आपको देगा सिंपैथी। बिट्रे, बिट्रे का मतलब होता है विश्वासघात करना। अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो आप उसको बिट्रे कर रहे हैं, ठीक है, मतलब विश्वासघात करना। तो इसका अर्थ होता है एबेंडन, एबेंडन का मतलब होता है, बताया था पिछले वीडियो में हमने, ठीक है। तो ये डेजर्ट, फोरसेक, डिस्क्लोज एंड एक्सपोज, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एबेंडन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक आपका डेजर्ट बहुत कम है लेकिन फिर भी आप याद कर सकते हैं उसको, फिर आपका डिस्क्लोज, उसने मेरी बात को डिस्क्लोज कर दिया। मेरी बात को डिस्क्लोज मत करना किसी के साथ, ये बात काफी कॉन्फिडेंशियल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पे आपका है बिट्रे। आगे बात करते हैं हम लोग बाई गॉट। बाइकॉट का मतलब होता है कट्टर और हट धर्मी, ठीक है। उसके पापा काफी बाइकॉट पर्सनैलिटी के हैं, उसके पापा काफी बाइकॉट है मतलब कट्टर हैं। उन्होंने बोल दिया रात को टाइम पे पहुंचना है, घर से पहुंचना है, वरना उसे घर से बाहर वो निकाल देंगे। तो बाइकॉट का मतलब होता है कट्टर, इसको बोलते हैं डॉगमेटिस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगला जो वर्ड है आपके लिए वो है आपका रिलीजनिस्ट, रिलीजनिस्ट। आगे हम बात करते हैं बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब है जीवन कथा, तो इसके लिए हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री, ठीक है ना, कैरिकुलम एंड क्या रिकॉर्ड। तो जैसे आप देखते होंगे अपना सीवी आप बनाते होंगे तो उसमें टॉप में लिखा होता है कैरिकुलम, मतलब जीवन कथा, उसने क्या क्या करा है, नाम, फादर नेम, मदर नेम, वो सब लिखा होता है, एजुकेशन में एक्सपीरियंस कितना है, तो कैरिकुलम सीवी वो वाली बात कर रहे हैं बायोग्राफी का। आगे हम बात करते हैं बाइशॉप के बारे में। बाइशॉप का मतलब होता है बड़ा पादरी, जो चर्च होता है चर्च में जो सबसे बड़ा पादरी होगा उसको बोलेंगे क्या, बाइशॉप, या बाइशॉप बोलते हैं उसको। आगे है आपका ब्लास्फीमोस, मतलब पाखंडी, ठीक है ना, जो ईश्वर की निंदा करने वाला हो, मतलब बुराई करने वाला, वो इंसान क्या होगा, पाखंडी होगा, जिसका कोई रिलीजियंस ना हो, मतलब इरिलीजियस। इम्पाउस, प्रोफेन एंड गॉडलेस, जो भगवान को नहीं मानता वो इंसान क्या होगा, वो इंसान होगा गॉडलेस। तो ये प्रोफेन एंड इरिलीजियस, ये दोनों ही वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट करिए बुक में इसी तरीके से। आगे हम बात करते हैं बोरो के बारे में। देखिए बोरो का मतलब होता है किसी से थोड़ा बोरो ले लो, थोड़ा सा पैसा ले लो, ठीक है ना, यार मेरा ना पीजी की डेट आ रही है फिलहाल, अब मुझे रेंट देना है अपना इस पीजी का, तो हम कहते हैं ना यार कि बोरो कर ले किसी से, मनी बोरो कर ले। भाई बोरो का मतलब क्या होता है, किसी से कर्जा लेना, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या होगा उसका, अडॉप्ट, इमिटेट, टेक एंड यूज। बाय कट, उसको इस देश से पूरी तरीके से बायकट कर दिया, बायकट मतलब उसका बहिष्कार कर दिया, उसको निकाल दिया, देखते हो ना आप लोग बायकट, या उसका तो पूरा बायकट हो गया, इस मोहल्ले से बायकट हो गया उसका। तो बायकट का मतलब क्या होता है, बहिष्कार करना, निकाल देना उसको, एक्सक्लूड कर देना, इग्नोर कर देना उसको, और प्रोहिबिट, रिफ्यूज एंड रिजेक्ट। तो एक्सक्लूड एंड इग्नोर दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको इसका मीनिंग पता है, बाइकॉट का मीनिंग क्या होता है, तो बाइकॉट बोलते हैं उसको, बाइकॉट का मीनिंग अगर आपको पता है तो आप आराम से इग्नोर भी, अगर आपको आपके पास ऑप्शंस में आएगा तो आप फटाफट उसको क्लिक कर सकते हैं। देखिए किसी भी वर्ड को आपका हिंदी पता होना चाहिए आपको कि उसका हिंदी में अर्थ क्या है। आगे हम बात करते हैं, देखिए ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, बोल्ड, जिसको हम बोलते हैं, पिछले वीडियो में हमने ये भी कवर करा था उसमें, ठीक है। और इसको होता है हीरोइक, हीरो कैसा होता है, हीरो काफी बोल्ड होता है, फटाफट बड़े डेंजर से डेंजर काम कर लेता है, तो उसको बोलते हैं हीरोइक, ठीक है। बोल्ड भी याद कर लीजिएगा आप, और करेजियस। आगे हम बात करते हैं ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का मतलब होता है चमकदार, काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मतलब कि पूरे क्लास में सबसे ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट कौन है, वो है आपका एक्स वाई जेड, कोई बच्चे का नाम है एक्स वाई जेड, तो मतलब क्या है, पूरे बच्चों में सबसे ज्यादा चमकदार कौन है, वो है। पढ़ाई में हो सकता है, फेस के अकॉर्डिंग हो सकता है, दिखने में हो सकता है, या फिर खेल में हो सकता है, तो उसको बोलते हैं ब्रिलियंट। इसका मतलब होगा सिनोनिम्स क्या होगा उसका, फेमस, स्किलफुल, इलस्ट्रियस एंड इंटेलिजेंट। आगे बढ़ते हैं हम, बी देखिए, बी अल्फाबेट पूरे हो चुके हैं, बी थोड़े से ऊपर और रह गए हैं, चलिए देखते हैं इसको। बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है आपका प्रसन्न, ब्राइट, चीयरफुल, हैप्पी, जॉयफुल, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आपका ब्यूरोक्रेट, मतलब होता है ब्यूरोक्रेट, सुना होगा आपने ये ब्यूरोक्रेट या ब्यूरोक्रेट, इसका मतलब होता है कर्मचारी। तो एडमिनिस्ट्रेटर,
ऑफिसर ऑफिशियल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बिजनेसमैन व्यापारी इतने इजी वर्ड आपको नहीं देगा, बट बुक में दे रखे हैं। ये एक्चुअली एमटीएस के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। और फिर हम बात करते हैं ब्रिटल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटल का मतलब होता है आसानी से टूटने योग्य है, तो ब्रिटल मतलब बिस्किट, बिस्किट कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं, बिस्किट बड़ी आसानी से टूट जाते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रिटल। ऐसा कोई बिस्किट नहीं होता इसको आरी से काटा जाए। हाँ, सोने के बिस्किट की बात अलग होती है, वो इतनी आसानी से टूटते नहीं है, लेकिन बात कर रहे हैं ब्रिटल की। ब्रिटल का मतलब होता है आसानी से टूटने योग्य है, इसको बोलते हैं नॉट टफ, जो ज़्यादा टफ ना हो और काफ़ी फ्रैगल। तो ब्रिटल के साथ में आपको जो ऑप्शन देगा, केवल एक देगा आपको, वो देगा फ्रैगल। अब हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट सी। जी हाँ, अल्फ़ाबेट बी और सी हमको इस वीडियो में कवर करना है। वीडियो की लेंथ थोड़ी बढ़ सकती है, तो प्लीज़ पेशेंस बनाए चलें, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपसे कैजोल, इसको बोलते हैं काजोल। काजोल का मतलब होता है धोखा देना, फुसलाना। जो काजोल, जो हीरोइन है, वो क्या कर रही है, वो काफ़ी फुसला रही है। देखिए इस तरह से क्या है, जो मैं अभी आपको एग्जांपल बताया कि काजोल जो है बहुत जल्दी शाहरुख खान को फुसला लेती थी मूवी के अंदर, तो ये होता है निमोनिक मेथड याद करने का, जो आपको मिलेगा वोकैब विद फन में। तो वहाँ पे इसी तरह से एक एक वर्ड को ना एक इंटरेस्टिंग तरीके से एग्जाम्पल के साथ में समझाया गया है, वो तरीका फॉलो कर लीजिए या फिर इस तरह को फॉलो कर लीजिए। तरीके दोनों आपके पास में हैं, आपको जो सही लगता हो वैसा वो तरीका को आप अडोप्ट करिए, वोकैब को याद करिए, ठीक है। ये बताया मैंने आपको। देखो कैजुअल का मतलब होता है धोखा देना, फुसलाना, और उसका सिनोनिमस जो होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो होगा आपका कोएक्स, याद करना कोएक्स, फ्लैटर, मिसलीड एंड टेम्प्ट। तो इम्पॉर्टेंट है आपका कोएक्स एंड फ्लैटर। आगे बात करते हैं कैलामिटी। कैलामिटी का मतलब होता है क्या होता है, देखो कालामिटी बोलते हैं इसको, कैलामिटी बोलते हैं, तो काल कैसे होता है, काल होता है हमेशा काले रंग का, काले रंग का मतलब क्या होता है, काल आने वाला है उसका, तो मतलब दुख और संकट आने वाला है। तो कैलामिटी से बना है, क्या बना है आपका, दुख और संकट, इस तरह से आप याद कर लीजिए। ये रहा आपके लिए निमोनिक मेथड एक, और तो पूरे ल्यूसेंट को तो मैं निमोनिक मेथड से नहीं करवा सकता, निमोनिक मेथड के लिए डेडिकेटेड बुक आपके पास में उसका वीडियो बन रखा है, आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। देखिए कैलामिटी का मतलब होता है दुख और संकट, एडवर्सिटी, ठीक है, कैटास्ट्रॉफी, डिजास्टर, डाउनफॉल एंड ट्रेजेडी। तो यहाँ पे एडवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और कैटास्ट्रॉफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, और उसके बाद में डिजास्टर। आगे हम बात करते हैं, वर्ड नंबर आपका है थर्ड, काम, कहते हैं ना काम, काम, प्लीज काम। काम का मतलब होता है शांति और विश्राम, रिलैक्स, क्वाइट, माइल्ड, पीसफुल एंड ट्रैंक्विल। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है आपका माइल्ड, एंड लास्ट जो वर्ड है वो है आपका ट्रैंक्विल। आगे हम बात करते हैं आपसे कैमोफ्लेग। तो कैमोफ्लेग का मतलब होता है किसी को छलना, किसी को चीट करना, ठीक है, किसी को कोन करना, CONE वाला कोन, किसी को कोन करना, CON कोन। तो यहाँ पे आप याद रखिए डिस्गस्ट, ब्लाइंड एंड क्रैक। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, कहते हैं ना कम्युनिटी हॉल, कम्युनिटी हॉल जो आप बुक करते हैं शादी वगैरह में, बर्थडे वगैरह में, तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, उसको बोलते हैं समुदाय भवन। तो वहां से बना है कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब ग्रुप, सोसाइटी, एसोसिएशंस या फेलोशिप। तो एग्जाम में आपको देगा तीनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकता है एग्जाम में, तो तीनों ही इंपॉर्टेंट बनेंगे यहाँ पर भी। अब हम बात करते हैं आपसे कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब क्या होता है, सूची पत्र। जब हम कहीं भी कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो वहाँ पे हमको क्या देता है, वो कैटलॉग। तो कैटलॉग में हमको कोई भी अगर वॉशिंग मशीन लेने जानी है, फ्रिज लेने जाना है, तो टीवी लेने जाना है, तो वो हमको दिखाया पहले कैटलॉग के, इसका डिस्प्ले कुछ इस तरह से है, इसमें ये फीचर है, इतनी इसमें रैम है, इतनी इसमें साइज है, फ्रिज का इतना, इसका लीटर का इतना वेट है इसका, वगैरह वगैरह वो सबको बताएगा। तो वो सब कहाँ पर होता है रिकॉर्ड, वो होता है आपका कैटलॉग में, ठीक है। लेकिन रेस्टोरेंट में जब जब खाना जाना जब जब आप खाना खाने जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, वहाँ पे कैटलॉग नहीं होता, वहाँ पे होता है मेन्यू, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप कैटलॉग यूज मत करना, तो कैटलॉग और मेन्यू में डिफरेंस है। तो अब हम बात करते हैं इसका मतलब होता है लिस्ट, रिकॉर्ड एंड रजिस्टर। फिर हम बात करते हैं कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है सचेत और सावधान, ठीक है। तो अलर्ट, केयरफुल, विजिलेंट एंड वॉचफुल। आगे हम बात करते हैं सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है उत्सव मनाना, कहते हैं सेलिब्रेशन करो, चलो चीयर्स, वो तो वाला सेलिब्रेट से बना है, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट, कॉमेंड, ग्लोरीफाई, एक्सटॉल एंड ऑनर। तो ये रहेगा इसका सिनोनिमस।
तो सिनोनिम्स के लिए आपको ग्लोरीफाई याद करना है, एक्सटोल याद करना है, बस ये दो इम्पोर्टेंट है। सेरिमनी, सॉरी, ये सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है शमशान और कब्रिस्तान। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? शमशान और कब्रिस्तान, तो उसको बोलते हैं बुरियल ग्राउंड। यहाँ पे क्या होता है, किसी भी बॉडी को भस्म कराया जाता है, दाह संस्कार कराया जाता है, उसको बोलते हैं बुरियल ग्राउंड या फिर चर्च यार्ड। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है केवल चर्च यार्ड। आगे हम बात करते हैं आपसे कलीग। कलीग के मतलब साथी, ऑफिस में जो आपके काम करते हैं हम क्या कहते हैं उसको? ये हमारे ऑफिस फ्रेंड है, ऐसा नहीं कहते हैं। हम लोग कहते हैं ये हमारे कलीग है, हमारे साथी है, हमारी कंपनी में काम करते हैं। तो उसका सिनोनिम्स क्या होगा? उसका सिनोनिम्स होगा आपका एले, असिस्टेंट, हेल्पर एंड पार्टनर। फिर हम बात करते हैं कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है? सुखदाई। अगर सोफे में आप बैठे तो आप क्या कहते हैं कि ये सोफा काफी कंफर्टेबल है। किसी गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी को ड्राइव अगर आप करते हैं खुद, तो आप खुद कहते हैं कि ये क्या है, कंफर्टेबल है। तो बहुत ही बेसिक वर्ड है, तो ये एग्जाम में आपको पूछ भी सकता है, लेकिन ऑप्शन वहाँ पे आपको जो देगा वो देगा आपको रेस्टफुल, जिसमें आपको बहुत ज्यादा रेस्ट मिलता हो, और एक आपको देगा डिलाइटफुल। दोनों ही वर्ड आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं कमांड के बारे में। कमांड का मतलब होता है आज्ञा देना। भाई मुझे आज्ञा मत दो, मुझे कमांड मत दो। कमांड का मतलब वास्तव में होता है आज्ञा देना, शासन करना, अधिकार में लेना। इसको बोलते हैं सिनोनिम्स होता है इसका चार्ज, कॉम्पेल, डोमिनेट एंड गवर्न। तो एग्जाम में आपको कॉम्पेल, डोमिनेट एंड गवर्न कुछ भी दे सकता है। कंपेयर, उसका कंपेयर उससे मत करो। छोटे भाई की तुलना तुम बड़े से क्यों करते हो? तो कंपेयर का मतलब होता है कंपैरिजन करना। तो कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? तुलना करना। और उसका सिनोनिम जो बनेगा वो बनेगा कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट सिनोनिम्स, कॉन्ट्रास्ट, पैरेलल, रिजेंबल एंड मैच। आगे हम बात करते हैं दयालु, कृपालु। इसको बोलते हैं कॉम्पेंशनेट, ठीक है ना? कंपेंशनेट भी बोलते हैं इसको, और कॉम्पेंशनेट भी बोल सकते हैं। तो कंपेंशनेट का मतलब जो होता है वो होता है आपका बिनिवोलेंट, ह्यूमर या सॉरी ह्यूमन, काइंड हार्टेड एंड मर्सीफुल। तो एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो मिलता है बिनिवोलेंट, और उसके बाद आपको मिलेगा मर्सीफुल, ठीक है? आगे हम बात करते हैं कंपाइल। कंपाइल का मतलब क्या होता है? जैसे कि अलग अलग पेज हैं, किसी बुक को आप पढ़ रहे हैं, वो बीच में से क्या हो गई, अलग अलग बीच में से फट गई, उसका एक पेज कहीं, एक पेज कहीं। तो आप क्या करते हो, उसको कंपाइल करते हो, इकट्ठा करते हो, सीएल वाइज, पेज नंबर वाइज उसको लगाते हो, तो वो होता है कंपाइल करना, ठीक है? तो इसका अर्थ होता है एक्यूमुलेट, अरेंज, गैदर एंड ऑर्गेनाइज। तो एग्जाम में ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टार्टिंग के तीन काफी इंपॉर्टेंट है, एक्यूमुलेट, अरेंज एंड गैदर। फिर हम बात करते हैं आपसे कॉम्प्लिकेटेड। कहते हैं ये कंडीशंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी जो एक्सीडेंट हुआ, जो वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, कहते हैं ना उसकी सिचुएशंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी मतलब संदेहजनक है, पता नहीं ठीक होगा या फिर नहीं होगा। तो कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल कर देना, किसी चीज़ को काफ़ी पेचीदा बना देना। तो इसका सिनोनिम्स होगा आपका कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट, एलैबोरेट एंड इंट्रिकेट, ठीक है? इंट्रिकेट याद रखना, कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट, एलैबोरेट एंड इंट्रिकेट। आगे हम बात करते हैं कंसील। कंसील का मतलब होता है छुपाना, ठीक है? किसी चीज को कंसील कर देना, छुपा देना, तो उसको बोलते हैं डिस्कस या हाइड या ऑब्सक्योर। तो सेकंड जो लास्ट वर्ड है आपका हाइड और ऑब्सक्योर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। आगे हम बात करते हैं, देखिए कॉन्डेमन। कॉन्डेमन का मतलब होता है अपराधी ठहराना, किसी चीज को मतलब जज ने क्या करा, उसको कॉन्डेमन कर दिया, सुनील को कॉन्डेमन कर दिया, मतलब उसको अपराधी ठहरा दिया पूरी तरीके से, मतलब ब्लेम करना, कन्विक्ट करना, रिप्रोच। तो रिप्रोच काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका, ठीक है? तो ऑप्शन एग्जाम में रिप्रोच मिलेगा आपको। फिर हम बात करते हैं कॉन्फिडेंट, उसकी बातों में काफी कॉन्फिडेंट है, मतलब विश्वास है, तो उसको बोलते हैं सेटिस्फाइड, ठीक है? सेटिस्फाइड, सिक्योर एंड श्योर। तो श्योर एंड सिक्योर, यू आर श्योर, आर यू श्योर, ऐसे पूछते हैं हम लोग, ठीक है? तो ये होता है मतलब काफी इसकी बातों में काफी विश्वास हो, कॉन्फिडेंट। आगे हम बात करते हैं, देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, सिलेक्शन हो गया आपका, बोलते हैं ना ऐसे। तो इसका होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्स, गुड विशेस एंड ग्रीटिंग्स। आगे हम बात करते हैं कॉन्टेम्परेरी। तो कॉन्टेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन, बिल्कुल सेम काल में, समान वक्त पर। तो उसको बोलते हैं करंट अफेयर्स, बोलते हैं ना करंट अफेयर्स, मतलब अभी की जो अफेयर्स हो, करंट अफेयर्स, लेटेस्ट, मॉडर्न एंड रिसेंट। तो एग्जाम में आपको कुछ भी दे सकता है, सभी आप याद करना, और इसकी जरूरत नहीं याद करने की, काफी बेसिक वर्ड था वैसे ये।
और ये आपको पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। फिर हम बात करते हैं कंट्रोवर्सी। यार कंट्रोवर्सी बहुत चलती है ऑफिस के अंदर, मतलब विवाद, बात बात पे विवाद होता है। पॉलिटिक्स के अंदर क्या होती है, कंट्रोवर्सी चलती है। कांग्रेस ने बीजेपी को बोला, बीजेपी ने कांग्रेस को बोला, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बोला, पीएम को बोला, तो ये सब जो वाद विवाद जो भी चलते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ट्रोवर्सी। तो कॉन्ट्रोवर्सी का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है विवाद, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, डिबेट, डिस्प्यूट या फिर क्वेरल। तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे सभी वर्ड मैं इम्पोर्टेंट मानना चाहूंगा, तो ये सभी इम्पोर्टेंट वर्ड होंगे, आप इसको याद करना। फिर हम बात करते हैं कन्वीनियंस, सॉरी, फिर हम बात करते हैं कन्वीनियंस के बारे में। कन्वीनियंस का अर्थ होता है यार ये काफ़ी कन्वीनियंस है, काफ़ी आराम है, सुविधा से मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, एडवांटेज, सर्विसेज, अप्लायंस एंड कम्फर्ट। तो सेकेंड लास्ट वर्ड जो है आपका अप्लायंस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर हम बात करते हैं कॉपी कर दो, जीरोक्स कर दो, ठीक है, जीरोक्स कॉपी, प्रतिलिपि वही है, फोटो कॉपी, ठीक है, डुप्लीकेट, पैटर्न, फोटोस्टेट, जीरोक्स। तो एग्जाम में केवल अब तक ये मिला है देखने के लिए, फोटोस्टेट एंड जीरोक्स। आपसे नहीं पूछेगा ये, लेकिन एमटीएस में पूछ सकता है। देखिए एसएससी लेवल में तो आपको सब तैयारी करनी पड़ेगी, सभी वर्ड याद करने पड़ेंगे ये सारे, यहाँ पे आप स्किप नहीं कर सकते कुछ भी। आगे हम बात करते हैं करेजियस। करेजियस का अर्थ होता है मतलब साहसी, काफ़ी करेज है उसके अंदर, वो बच्चा काफ़ी क्या है, ब्रेव है, बहादुर है, हीरोइक, लियॉन हार्टेड, ठीक है ना, मतलब, और उसको बोलते हैं हाई हार्टेड। फिर हम बात करते हैं आपसे कॉर्टियस। कॉर्टियस का अर्थ होता है आपका दयालु, काफ़ी दयालु है, काफ़ी पोलाइट है, काफ़ी काइंड है, तो उसको बोलते हैं अटेंटिव, पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल। फिर हम बात करते हैं कोवार्डाइस। कोवार्डाइस का मतलब होता है कायरता, कोवर कायरता, कोवर कायरता, कोवर से बना है कायरता। इसका सिनोनिम्स होगा आपका फेंट हार्टेडनेस एंड फियर। तो कायर इंसान क्या होगा, काफ़ी डरा हुआ होगा, डरे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फियर, फेंट, फेंट हार्टेडनेस। फिर हम बोलते हैं क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, वो इंसान क्या है, काफ़ी क्रेडिबल है, काफ़ी क्रेडिबल है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, बिलीवेबल, रीजनेबल, रिलायबल एंड सेंस्योर। तो यहाँ पे होगा सेंसियर, रिलायबल, आप दोनों ही वर्ड याद कर सकते हैं, हो सके तो सभी याद कर लो भाई। आगे हम बात करते हैं आपसे क्रीडुलस का मतलब होता है सहज, मतलब आसानी से विश्वास करने योग्य, ट्रस्टिंग, अनक्रिटिकल, वाइड आइड। क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, CRITICAL, क्रिटिकल का मतलब होता है गुण दोष विवेचक, मतलब अर्जेंट, क्रूशियल एंड विटाल। क्रूर, क्रूर का मतलब क्या होता है, काफी क्रूर व्यक्ति, काफी उदंडी व्यक्ति, काफी मतलब गुस्सेला व्यक्ति, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्रूटल, फायर्स, फिरोसियस एंड मर्डरस। तो इम्पोर्टेंट जो है बस केवल ब्रूटल याद करना है आप लोग, और इसको भी याद कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कस्टमर। कस्टमर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल आपको नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन इसके सिनोनिम्स के बारे में पक्का आपको बताऊंगा। तो ये होता है आपका क्लाइंट, कंज्यूमर एंड परचेजर एंड बायर। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है और सभी काफ़ी बेसिक वर्ड थे। परचेजर मतलब आप परचेज करने जाते हैं, तो आप क्या होते हैं, ग्राहक होते हैं दुकानदार के लिए। कंज्यूमर आप क्या है, एक तरह से दुकानदार के लिए ग्राहक हैं, आप क्लाइंट हैं उसके, और आप उसकी वस्तु को खरीदने वाले हैं, और खरीदने वाला इंसान क्या कहलाता है, वो कहलाता है बायर, ठीक है, वो सेलर है दुकानदार, और आप क्या है उसके बायर। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। इस चैनल पर आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, जी हाँ बहुत कुछ, ढेर सारी किताबों की कंप्लीट वीडियो, इन सभी किताबों की आपको वीडियो इस चैनल पे आसानी से मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो उन सब वीडियो को देख सकते हैं। और अंत में बस केवल आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और अपने मित्रों तक इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जो भी आप नेटवर्किंग साइट यूज़ करते हैं उनके थ्रू प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।